अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डॉक्टर आलिया अहद और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल आस्क आलिया अहद में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो खास तौर पर मर्दों के लिए है। वो मर्द हजरात जो कि ये शिकायत करते हैं कि मेरा नफ्स छोटा है, वक्त पर मैं तनाव नहीं रहता और टेढ़ेपन का भी शिकार है। तो अगर किसी मर्द का उज़ू छोटा है, पतला है या टेढ़ा है, या उज़ू हम बिस्तरी के दौरान अकड़ में नहीं रहता, जल्दी झुक जाता है और हम बिस्तरी करते हुए दखूल होने से पहले फारिग हो जाता है, तो इन तमाम वजूहात की बिना पर आप अपने पार्टनर के साथ अपने उस हम बिस्तरी वाले टाइम को भरपूर तरीके से लज्जत हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है कि मैं बहुत ही स्पेशल रेमेडी आज आपके लिए लेकर आई हूँ। इस रेमेडी को यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा लज्जत और मसरूर बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी होगी और क्वांटिटी में भी इजाफा हो जाएगा। आपकी बीवी को हमला करने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि आज जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी एनर्जी को बूस्टअप करेंगे। प्याज, अदरक और हनी, इन तमाम चीज़ों से मिलके हम एक ऐसी रेमेडी बनाएंगे जिससे आपकी ज़िंदगी के वो तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है, तो प्याज आपने लेनी है एक अदद, उसको कद्दूकश कर लेना है बिल्कुल पतला पतला सा। इस तरह अदरक का आपने एक इंच का टुकड़ा लेना है और उसको बारीक कद्दूकश कर लेना है। दोनों को छन्नी में छान के आपका उसका जूस या रस निकाल लेना है। रस में आपने एक छोटा चाय का चम्मच शहद ऐड कर लेना है। शहद की क्वालिटीज़ आपको पता है, क्योंकि यह आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है, आपकी बॉडी को बूस्टअप करता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है, स्पर्म की क्वालिटी भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है और सुबह आपने निहार मुँह इसका एक चम्मच लेना है और एक चम्मच आपने इसको शाम में लेना है। 15 से 20 दिनों तक रेगुलर इस्तेमाल करने से आप वाज़े तब्दीली महसूस करेंगे। सुबह लेने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो दिन में किसी भी वक्त आप दो बार ले सकते हैं। स्टार्टिंग आपने 15 से 20 दिनों तक इसको डेली 2 टाइम्स लेना है। फिर जब आप फील कर रहे हैं कि आपके उज़ू में वो लर्जिश नहीं रही, आपको उज़ू बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, आपको जल्दी फारिग भी नहीं हो रहा है, नाइट फॉल्स का भी मसला आप लोग आपका हल हो गया है, तो फिर आपने क्या करना है कि अल्टरनेट डेज में इसको यूज़ करना है। लेकिन 15 से 20 या बटली 25 डेज़ आपको रेगुलर यूज़ करना है और फिर आपको अल्टरनेट डेज यूज़ करना है। उज़ू को बेहतर बनाने के लिए आपको इसका मसाज भी बहुत ज़रूरी है। तो जैतून के तेल से अपने उज़ू का मसाज क्या करें, जिस तरह हमारी आँखों को, हमारे हाथों को, हमारी बॉडी के तमाम हिस्सों को केयर की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारी अजदबाजी ज़िंदगी का इन्हेसा हमारे शर्मगाहों पर होता है। तो शर्मगाह की हिफाजत कीजिए, उसका ख्याल कीजिए। ठीक है, तो मज़ीद मेल फीमेल इशूज़, मैरिड लाइफ के इशूज़ या फिर तीन ही मसाइल के हल के लिए मेरे चैनल आस्क आलिया अहद पे अपने सवाल कमेंट कीजिए। किसी चैनल या किसी प्रोडक्ट की प्रोमोशन के सिलसिले में अगर रब्ता करना हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।